वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को 23 अगस्त 2008 की रात ईसाई मिशनरियों ने षड्यंत्र करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। वह ईसाई मिशनरियों द्वारा असहाय वनवासियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। वनवासी बहुल उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्थानीय वनवासियों के कल्याण के लिए वे काम करते थे। उड़ीसा के वन प्रधान फूलबनी यानी कंधमाल जिले के ग्राम गुरजंग में सन 1924 में जन्मे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की बचपन से ही आकांक्षा रही थी कि वे समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। गृहस्थ और दो बच्चों के पिता होने के उपरांत उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना हेतु हिमालय का मार्ग पकड़ लिया। सन 1965 में जब वह हिमालय से लौटे तब वह गोरक्षा आंदोलन से जुड़े। आरंभ में उन्होंने अपने काम का केंद्र बनवासी बहुल फुलबनी जिले के चकपात गाँव को बनाया। कुछ ही वर्षों में उनकी सेवा कार्य की ख्याति चारों तरफ गूंजने लगी। उन्होंने बनवासी लोगों के सामाजिक और धार्मिक विकास के अलावा उन्हें सशक्त बनाने के लिए 4 दशकों तक काम किया। उन्होंने कंधमाल के दूरस्थ स्थान चकपाद में संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरुकुल पद्धति पर आधारित एक विद्यालय और एक महाविद्यालय की भी स्थापना की। स्वामी जी का जलसपट्टा स्थित शंकराचार्य कन्याश्रम नामक एक और आवासीय विद्यालय और आश्रम है जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। सन 1969 में उन्होंने चकपाद में अपना पहला आश्रम शुरू किया और यह आश्रम स्थानीय बनवासी आबादी के कल्याण के उद्देश्य से उनकी गतिविधियों का केंद्र बना। उन्होंने विरूपाक्ष, कुमारेश्वर और जोगेश्वर मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। स्वामी जी वेदांत दर्शन और संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे और इसलिए उन्हें वेदांत केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वह लंबे समय तक फुलबनी जिले में डटे रहे और बनवासी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष करते रहे। पूरी की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने उन्हें विधर्मी कुचक्र विदारण महारथी की उपाधि से सम्मानित किया था। उनके कंधमाल में अपना काम शुरू करने से पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित प्रचारक श्री रघुनाथ सेठी लंबे समय तक उनके सानिध्य से जुड़े रहे। उन्होंने शुरू में चकपाद में अपनी गतिविधियों के स्थान का चयन किया क्योंकि वहां प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है। इसके बाद उन्होंने जलसपट्टा में कन्याश्रम, तुलसीपुर में सेवा स्कूल, कटक जिले के बांकी और अंगुल जिले के पानीग्रोला में एक आश्रम की भी स्थापना की। चकपाद स्थित विरूपाक्ष मंदिर कंधमाल जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास बुरुटंगा नदी बह रही है। यह स्थान मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ है। रामायण में भी चकपाद का उल्लेख किया गया है। चकपाद का प्राचीन नाम एक चक्र नगरी है। यह नाम रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक शिव मंदिर भी मौजूद है जहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है और उस स्थान के सभी वृक्ष भी दक्षिण की ओर ही झुके हुए हैं। स्वामी जी अत्यंत दूरदर्शी थे जो कि उनकी गतिविधियों से ही सहज स्पष्ट होता है। उन्होंने एक एक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से कंधमाल के लोगों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन लाया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि विद्यालयों को शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1969 में चकपाद में कल्याण आश्रम नामक एक संस्कृत विद्यालय भी खोला जिसे अब संस्कृत कॉलेज के रूप में प्रोन्नत कर दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1988 में कंधमाल के जलसपट्टा में पूर्ण आवासीय विद्यालय शंकराचार्य कन्याश्रम की स्थापना की जहां अब तकरीबन 250 छात्राएं पढ़ रही हैं। उन्होंने अंगुल जिले के बांकी में एक स्कूल और पांडीगोला में एक आश्रम की भी स्थापना की। स्वामी जी ने कक्षा में छात्रों को व्याकरण और खेतों में अच्छी खेती की तकनीक सिखाई। उन्होंने ग्रामीणों को धान और सब्जी आदि की खेती कब और कैसे करनी है यह सब सिखाया, समय चक्र का भान दिया। उनके प्रयासों के कारण ही उदयगिरी और रायकिया ब्लॉक क्षेत्र में उड़ीसा के किसान सेम की सर्वोत्तम गुणवत्ता और उच्चतम मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम हुए। उन्होंने कटिंगिया में सब्जी सहकारी समिति भी बनाई। इन प्रयासों के जरिए स्थानीय आबादी की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब हम कंधमाल में हर जगह हरियाली देख सकते हैं क्योंकि यहाँ किसी अन्य जिले की तुलना में अधिक वन क्षेत्र है। यह सब स्वामी जी के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ। उन्होंने जिले के कई हिस्सों में पहाड़ों की चोटियों पर मठ भी स्थापित किए। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि पहाड़ी में पेड़ मुठों और ग्रामीण समुदायों के हैं। यदि आपातकाल उत्पन्न होगा
तो कोई भी ग्राम समिति की अनुमति के बाद एक पेड़ काट सकता है और लकड़ी ले सकता है। उनका यह प्रारूप काफी काम आया। संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली जिसे सरकार ने अब शुरू किया है, उसे अगर हम देखें तो स्वामी जी ने सन 1970 में ही शुरू कर दिया था। स्वामी जी बनवासी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और विकास के लिए काफी गंभीर थे। उन्होंने कई स्थानों पर बनवासी देवस्थान यानी धर्माणी पेनू की स्थापना की और जीर्णोद्धार भी किया। इसी तरह उन्होंने गजपति और कंधमाल जिले से होते हुए एक रथ यात्रा शुरू की, जिसके दौरान हजारों बनवासी अपनी विश्वास व्यवस्था में वापस आए। वह प्रायः कहा करते थे कि जहां आंसू या खून गिरे वह क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता। वह अंधाधुंध गोहत्या के खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को पशुओं को कत्लेआम से बचाने की अपील की। कई मौकों पर उन्होंने प्रदर्शन या धरना किया और राज्य के कई हिस्सों में भूख हड़तालों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने इसी विरोध को दर्शाने के लिए राज्य भर में दौरा किया। वह कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े रहे। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मंदिरों की स्थापना की और उनका जीर्णोद्धार कराया। कंधमाल में उनका मुख्य काम बनवासियों को ईसाई धर्मांतरण से बचाना था। उन्होंने आदिवासियों को उनके मूल विश्वास में वापस लाने के लिए अपने स्तर पर भरसक प्रयास किए। उनके काम से प्रेरित होकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। वे बनवासी युवाओं को एक मजबूत, निडर, शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त इंसान बनाना चाहते थे। बनवासियों को अपनी आस्था के प्रति दृढ़ होना चाहिए और अपने भाइयों के धर्मांतरण पर उन्हें रोक लगाना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा की। गो रक्षा की वजह से वह पूरे राज्य में बहुत लोकप्रिय हुए। सन 1986 से सन 2007 में चकपाद में दो बड़े समारोहों के दौरान लाखों लोग उस दूरस्थ स्थान पर उनसे मिलने को एकत्रित हुए। उन्होंने जिले भर के गांवों की पदयात्राएं की। वह बनवासी समाज के कई युवक युवतियों से जुड़े और जगह जगह की यात्राएं की। उड़ीसा के लाखों लोगों की स्वामी लक्ष्मणानंद के प्रति विशेष श्रद्धा है। उन्होंने सैकड़ों गाँवों में पदयात्राएं करके लाखों बनवासियों के जीवन में स्वाभिमान की भावना जगाई। उन्होंने सैकड़ों गांवों में श्रीमद् भगवत कथा का भी आयोजन किया। सन 1986 में स्वामी जी ने जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ स्वामी के देवताओं को विशाल रथ में बिठाया और करीब 3 महीने तक उड़ीसा के बनवासी जिलों से होकर यात्रा की। इस रथ के माध्यम से करीब 10 लाख बनवासी पुरुष और महिलाएं भगवान जगन्नाथ से जुड़े और उन्होंने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। इस रथ के माध्यम से स्वामी जी ने निषेध, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरूकता आदि पैदा की और गो रक्षा को बढ़ावा दिया। इससे बनवासियों की चेतना और भक्ति दोनों में ही जागृति संभव हुई। सन 1970 से दिसंबर 2007 तक स्वामी जी पर तकरीबन 8 बार हमले किए गए, लेकिन इन हमलों के बावजूद बनवासियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण रोकने का स्वामी जी का संकल्प अटूट बना रहा। वह कहते थे कि वो जो भी प्रयास करेंगे वो दिव्य कार्यों में बाधा नहीं डाल पाएंगे। ईसाई उग्रवादियों ने 23 अगस्त 2008 की रात 8 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, भक्तिमयी माता, अमृतानंद बाबा, किशोर बाबा और कन्याश्रम के संरक्षक पुरूप गंथी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। 5 लोगों की इस विभत्स घटना को ईसाई उग्रवादियों द्वारा कन्याश्रम में घुसकर एक बड़े दुस्साहस के साथ किया गया। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने घटनाओं के बाद कथित रूप से प्रभावित ईसाई परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि हिंदुओं को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। दोषियों को गिरफ्तारी और उनके द्वारा रखे गए अवैध हथियारों की जाँच तथा उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के लिए सरकार या प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। स्वामी जी की हत्या में ईसाई गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाओं की जांच भी नहीं की गई। सरकार का रवैया ईसाइयों की रक्षा और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का बना रहा। सैकड़ों हिंदुओं की गिरफ्तारी की गई, लेकिन बहुत कम ही ईसाइयों से पूछताछ का मामला देखने को मिलता है। चर्चों और अन्य ईसाई संगठनों को राहत के रूप में लाखों रुपये प्रदान किए गए, भले ही इस अवधि के दौरान उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की प्रस्तुति।